मॉर्निंग। तो सुबह भी उठ के मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ, और अभी मुझे निकलना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि सुबह मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और गाइस यकीन नहीं मानोगे, कुछ टाइम से डॉक्टर के इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी जो है जो अल्ट्रासाउंड का कल जो रिपोर्ट आया था वो रिपोर्ट लेके जो मैडम के पास मैं जाऊंगी, उससे पहले जो है आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मेरा दांतों का भी इलाज चल रहा था, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो दांतों का इलाज कम से कम 2.5-3 महीने हो गए, और फाइनल आज फाइनल कल फाइनल परसों फाइनल, ऐसा करते करते कम से कम 3-4 महीने ऐसे निकल गए। तो आज जाके वो फाइनल होने वाला है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी डेंटल के पास, फिर वहां से जैसे मेरा काम निपट जाएगा उसके बाद फिर जाऊंगी मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास। तो आज पूरे दिन डॉक्टर का ही चक्कर रहेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस वीडियो में बने रहना। फाइनली तैयार हो चुके हैं और अब निकल ही रहे हैं। पहले मनीषा को जाना है डेंटल के पास, तो दिखाते हैं। पर्ची वगैरह सब रख ली ना? हाँ। ठीक। तो गाइस मनीषा का नंबर लगा दिया है और बस थोड़ी देर में उसका नंबर आने वाला है, तो कुछ बोलो। बस जल्दी से दिखा के घर जाओ, 2-3 दिन से लगातार बाहर 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 घूमते फिरते में बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा एकदम आराम करना चाहती हूँ, एकदम रिलैक्स। ठीक है गाइस, जल्दी से देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, और दिखाने के बाद फिर गायनो के पास भी जाना है और उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे। तो गाइस मनीषा डेंटिस्ट के यहाँ से पूरी हो चुकी है और अभी यहाँ पे नंबर लगा दिया है गायनो के पास, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं काफ़ी पेशेंट है और मनीषा बैठी है वो। तो देखते हैं कितने टाइम में यहाँ पे नंबर आता है मनीषा का। फाइनली गाइस मनीषा का नंबर आ चुका है। तो गाइस डॉक्टर के वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी लेट जाके मेरा नंबर आया था, बहुत बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अभी जो है थोड़ा सा मैं खाऊंगी दाल चावल और फिर चलेंगे घर। आज भी सब्जी लेना नहीं हो पाया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, ऐसे आज कल करते करते दिन बस चलते ही चले जा रहे हैं। तो आज शाम तक तो सब्जी लेनी है, तो चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। आ गए हैं घर और हमने बाहर से खाया नहीं क्योंकि डॉक्टर ने एकदम मना किया है। 20 दिन की दवाई उन्होंने मुझे दी है और बाहर की चीज़ें खाने के लिए एकदम मना किया और मेरे दिमाग से एकदम निकल गया, तो मैं घर आई हूँ। अब देखते हैं घर में क्या बना है। अंशु खाना खाया? बाद में मम्मी ने कहा था कि मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया, तो छोड़ दोगे बाहर का खाना? एक मिनट भी ना। तो बाहर की चीजें क्या खाता है? बहुत कुछ। क्या क्या बता? पिज़्ज़ा, चाउमीन और डोसा और बर्गर। अच्छा, जलेबी। और गाइस देख सकते हैं दोनों खाना खा रहे हैं। मम्मी जो है कैमरे के सामने आने से थोड़ा शर्माती है। कि क्या बनाया? अंडा बनाया, आलू। अंडा आलू। तो सब्जी है नहीं ना घर में एक भी कच्ची सब्जी? हाँ, तो वो चाल की बुड़ो बनाई थी। हाँ, तो हम लोग भी खाना खा लेते हैं। गाइस दोपहर को खाना वाना खाने के बाद मैं लेट गई थी और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी जाना है मुझे मार्केट, सब्जी वब्जी लानी है। और डॉक्टर तो दिखाया था, आप लोगों ने देखा है, पर डॉक्टर ने क्या बोला है तो मैं वो बताऊंगी आप लोगों को मार्केट से आने के बाद। तो गाइस वीडियो में बने रहना। अभी हमारे पास कैश खत्म हो गया था, तो देखिए मनीषा आई है यहाँ पे पैसे निकालने। दो AC है लेकिन AC एक भी ऑन नहीं है, बहुत गर्मी है इस टीम के अंदर।
जो हमारा है पूरे मुस्लिम भाइयों का है और इनका जो है ईद चल रहा है, तो इसी वजह से मेरे छोटी वाली थोड़ी सही लग रही थी, ज़्यादा भी नहीं, मैंने आधा किलो ले लिया है। तो चलो गाइस, अभी चल रही है रात के खाने की तैयारी। तो देखो मम्मी काट रही है यहाँ मछली, तो ये वाला जो है इसमें काटा ज़्यादा है तो ये अंशु खा नहीं पाता, तो इसलिए अंशु के लिए लेके आई थी एक काटे वाली। और देखते हैं सासू माँ क्या कर रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इधर रोटी बनाने की तैयारी चल रही है, और अंशु को तो आप लोग देखते ही हो, हर टाइम वो अपने इम्पोर्टेंट काम में लगा पड़ा रहता है। ए अंशु होमवर्क कर, चलो उठ उठो, आय उठो जल्दी, उठ रहा हूँ ना, उठ जल्दी जल्दी। तो गाइस आप लोगों में से अगर अंशु के स्कूल का मतलब कोई भी टीचर अगर ये वीडियो देख रहा हो तो आप लोग अंशु की हरकतें देख सकते हो, तो इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा इसका पनिशमेंट बहुत अच्छे से इसको देना जब भी ये स्कूल जाए। अगर आप लोग देख रहे हो तो देखो इसकी आदत। अंशु उठ जा। तो गाइस देखिए मैं कितना चिल्ला रही हूँ और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। ए अंशु उठो, क्या खेल रहा है तू, कौन सा गेम है, कौन सा गेम कोई सा भी गेम नहीं। तो गाइस ये पूरे दिन फ्री फायर में लगा पड़ा रहता है, तो क्या बताऊँ इसका। खाने में मम्मी की थोड़ी सी मैं हेल्प करवाती हूँ, और अंशु और उसके पापा जा रहे हैं थोड़ा मार्केट घूमने के लिए। तो गाइस अंशु और मैं आए थे मार्केट घूमने के लिए, और देखिए हम दोनों क्या खा रहे हैं। तो अंशु कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, चलो जल्दी से फिनिश करो। अंशु और मैं मार्केट से आ चुके हैं घर, मैंने उसको जो खाना चाहता था वो खिला पिला दिया, और घर आते समय घर वालों के लिए सबके लिए मैं एक पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ, तो जल्दी से फिनिश करते हैं। गाइस देखिए पिज़्ज़ा की क्या हालत हो गई है, क्योंकि अंशु पकड़ के लाया था, अब जैसा भी है इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। क्या होगा अब, ये होगा कि सारा चीज़ एक तरफ आ गया है, तो अब ये रहेगा कि हाँ किसके इधर ज़्यादा है किसके इधर कम है, तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। चलो मैंने एडजस्ट कर दिया। तो गाइस रात का खाना वाना कंप्लीट हो गया है और मैं आ गई हूँ कमरे में, और डॉक्टर ने जो प्रॉब्लम बोली है ज़्यादा बड़ी परेशानी है नहीं, वो दवाई से आराम हो जाएगा। दरअसल अंशु जो है ऑपरेशन से ही हुआ था, तो वो जो सीजर वाली जो कट का जो जगह है तो उसमें जो है सूजन आ गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और थोड़ा सा पेट में जो है थोड़ा सा फैट भी कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए ऑयली चीज़ें एकदम मना कर रही है। तो दवाई ववाई भी चल रही है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो जैसा भी था तो आप लोग कमेंट्स में बोलना कि वीडियो में कुछ कमी हो या फिर अच्छा लग रहा, जैसा भी हो कमेंट्स में आप लोग बोल सकते हैं। और चैनल पे जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।